तो बेंजामिन नेतन्याहू के इस ट्वीट के बारे में पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में लास्ट में बताऊंगा कि इसका रीज़न क्या है, इंडिया का नाम क्यों नहीं लिया। चलिए तो गाइस वीडियो की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। जो मुसलमान मुल्कों में और लगभग 50 से ज़्यादा मुकामात ऐसे हैं जो गैर मुस्लिम ममालिक में हैं, यानी हम मुसलमान अवाम जो है वो चाहते तो ये हैं कि हमारी हुकूमतें फौरी तौर पे इसराइल के ऊपर हमला कर दें, सारे मुसलमान मुल्क मिलकर अटैक कर दें, मिज़ाइल मारो, एयरफोर्स भेजो, जो भी करो। लेकिन हमारे यहाँ पे कोई भी एक ऐसा एहतजाजी मंजर हमने नहीं देखा जो यूरोपी ममालिक से ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग निकले हों। कोरोना वायरस वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो हम घर बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के मुजाहिद बने हैं, लेकिन हमारे लोग जो है वो उस लेवल के ऊपर नहीं कर रहे। हमारा मीडिया आवाज़ उठा रहा है, हमारी गवर्नमेंट मजम्मत कर रही है, लेकिन क्या ये सारा कुछ काफ़ी है? OIC का जो इजलास हुआ उससे जितनी तवक्को थी उतना ही वो कर पाया। उन्होंने मजम्मत की, उन्होंने खबरदार किया कि जी हालात ख़राब हो जाएंगे, और उन्होंने पूरी दुनिया से रिक्वेस्ट की कि इस मामले को ख़त्म किया जाए और जंगबंदी करवाई जाए। जंगबंदी अब हो भी जाएगी तो क्या फ़ायदा? इसराइल की ये पॉलिसी है, वो हर 5-6-7 साल के बाद मुसलमानों को मारता है और मारने के बाद उनको इतना कमज़ोर कर देता है कि वो 5-7 साल तक खड़े नहीं हो पाते। फिर जब 5-7 साल गुजर जाते हैं वो दोबारा मुसलमानों को मारता है, फिर इतना कमज़ोर कर देता है कि अगले 5-7 साल उनके आराम से गुजर जाते हैं, और अब वो वही एक दफ़ा फिर दोहरा रहा है। अमेरिका जो बाइडन का, अगर आप व्हाइट हाउस के ट्विटर अकाउंट पर जाएँ ऑफिशियल पे, तो उन्होंने 2 ट्वीट्स एक साथ किए। एक पे उन्होंने लिखा कि उनकी बात हुई सदर महमूद अब्बास से, जो फलस्तीन के सदर हैं, और उनसे उन्होंने जो बात की वो ये की कि यरूशलम सबका है, तमाम मकादब फ़िक्र के लिए, तमाम मजाहब के मानने वाले लोगों के लिए यरूशलम जो है वो पूरा मन होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा जी आपके साथ जो हमारी पार्टनरशिप है वो मुस्तकबिल में जारी रहेगी, बस। लेकिन जब उन्होंने इसराइली सदर, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ बात की, बेंजामिन नेतन्याहू से, तो उसके अंदर बड़ा तफसील से लिखा हुआ था कि मजम्मत की गई उन रॉकेटों की जो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते इसराइल का, और इसराइल की हमायत की गई कि वो अपनी पूरी ताकत के साथ अपने दिफा का हक रखता है, वो दिफा नहीं कर रहा, वो हमला कर रहा है। दुनिया का वो मीडिया और दुनिया के वो इंसानियत के अलमबरदार और दुनिया के फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करने वाले तमाम लोग आज उन सबकी ज़बानें बंद हैं, कोई बात नहीं कर रहा, कोई इसराइल को नाराज़ नहीं करना चाहता। लगभग 68 लाख की आबादी है इसराइल के अंदर यहूदियों की, और मुसलमानों की कोई 150 करोड़ की आबादी है पूरी दुनिया में, लेकिन वो दुनिया की आँख का तारा बने हुए हैं। दुनिया भर का मीडिया ऐसा दिखा रहा है कि जैसे फ़लस्तीनी और हमास या हिजबुल्ला के लोग ज़ालिम हैं, जबकि दूसरी जानिब यह दिखाया जा रहा है कि इसराइल जो है वो बहुत मजलूम है और वो इस वक्त दहशतगर्दी का शिकार है, और वो अपने हक को इस्तेमाल करता हुआ जवाब दे रहा है। भारत को बड़ी शर्मिंदगी हुई, वो मैं तस्करा ज़रूर करूंगा, इसलिए कि भारत ने बकायदा एक हैशटैग के साथ इसराइल की हमायत के अंदर वी स्टैंड विद इसराइल, उन्होंने ये हैशटैग चलाया था, पूरे भारत के अंदर इसकी कंपेन की, BJP ने ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा की। लेकिन जब बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रिया अदा किया दुनिया के उन मुल्कों का जिन्होंने उनकी हमायत की थी इसराइल की, तो 25 मुल्कों का शुक्रिया अदा किया, भारत का नहीं किया, भारत को कर दिया उन्होंने फारिग। तो भारत में दोबारा ट्रेंड चला कि जनाब हमारा तो आपने नाम ही नहीं लिया, हम भी हैं आपके कदरदानों में, हमने भी आपकी हमायत की है, तो उस पर इसराइलियों ने ठीक ठाक क्लास ली है भारतीय सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की। लिहाजा ये बड़ा क्लियर है कि भारत ने एक दफ़ा फिर पढ़ाए मामले में जो है वो टांग अड़ा के अपनी अच्छी तरह बेइज्जती करवा ली है। पाकिस्तान का मौकिफ बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन पाकिस्तान क्या इसराइल पर अटैक कर सकता है? लोग ये डिमांड कर रहे हैं, क्या तुर्की इसराइल पे अटैक कर सकता है? उनके लोग भी ये डिमांड कर रहे हैं, उनके लोग वो कहते हैं कि हमारी फौज अलकुदस के लिए और हमारे फौजी यरूशलम जाएंगे, अलकुदस जाएंगे, मस्जिद अक्सा तक हमारे फौजी जाएंगे, वो भी ये नारा लगाते हैं। ईरान जो है वो दरपर्दा सपोर्ट तो करता है और खुल के भी करता है बाद औकात, लेकिन क्या अकेला ईरान इसराइल के साथ लड़ाई लड़ेगा? और अरब ममालिक का जो रवैया है, यानी इस वक्त मुख्तलिफ अखबारात की रिपोर्ट्स के मुताबिक जब अमेरिकन ने इसराइल की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए उनको मदद पहुंचाने की सोची और ठानी के मछले के उस्ता की सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ हमारी फौजें होनी चाहिए, तो उन्होंने अपने तैयारे कहाँ पे उतारे? अमेरिकन ने अपने तैयारे उतारे हैं सऊदी अरब की सरजमीन पे, उनके हवाई अड्डों पे। तो फिर उस सऊदी अरब से अब आप क्या ये तवक्को कर सकते हैं कि वो
इसराइल को आज़ाद करवाने के लिए एक अमली तौर पर किसी जंग में हिस्सा लेगा, जहाँ अमरीकी तैयारी इसलिए उतरे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि आज से 20 साल पहले जब सऊदी अरब अपने तैयारे लेकर चला गया था तबूक एयरबेस के ऊपर, जो बिल्कुल इसराइल के करीब है, तो फौरी तौर पे अमेरिका ने उनके ऊपर दबाव डाला था कि इनको दूर ले जाओ, इसराइल खतरे में महसूस कर रहा है अपने आप को। तो सऊदी जो है वो अपने तैयारों को वापस अपनी मेन एयर बेसिस के ऊपर ले आए थे, और तबूक एयरबेस जो उनके करीब थी ऊपर, जहाँ गज़बा तबूक भी आपने सुना होगा, जो उनके करीब थी इसराइलियों के, तो वहाँ से जो है वो वापस आ गए। तो ये मामला जो है वो इस नहज पर पहुँचे हैं। 2 दिन का फ्यूल रह गया फलस्तीन में, गज़ा में, और वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने खबरदार किया है कि अगर ये फ्यूल ख़त्म हो गया तो फिर हमारे पास बिजली नहीं होगी, हम पीने का पानी नहीं दे सकेंगे लोगों को, अस्पतालों के अंदर इलाज मुआवजे की सहूलतें ख़त्म हो जाएंगी, ऑपरेशन थिएटर्स रुक जाएंगे। एक तरफ रॉकेट्स हैं जिनमें से अक्सर इसराइल डिटेक्ट कर लेता है, कोई इक्का दुक्का निकलते हैं और जाके हिट करते हैं, और एक तरफ दुनिया के बेहतरीन हथियार हैं जो फलस्तीनियों को कुचल के रख रहे हैं। उम्मा क्या कर पाएगी या कुछ कर सकती है? यहीं से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब। अपने मुल्क के अंदर, अपने अंदर मलिक रियाज से कब्जा नहीं छुड़वा सकता, वो मुल्क इसराइल से कब्जा छुड़वाएगा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल तो ये सही पूछ रहे हैं। मैं इमरान साहब, मैं अर्ज करने लगूँ, गुजारिश ये है, बातें तो शायद मैं भी बहुत ज़्यादा जज्बाती कर सकता हूँ और ये भी कह सकता हूँ, बल्कि यकीनी बात है बींग ए मुसलमान मेरे पास और रास्ता कोई नहीं है, क्योंकि एक नाहक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। उधर जुल्म बर्बियत की जो दास्तान इसराइल बना रहा है वो न माजी में पीना है, हम मकबूजा कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर सके। मेरे भाई निहाल आशमी साहब ने बहुत अच्छी बात की कि 1973 में हमारी फौजें गई थी, उस वक़्त हमारे हुक्मरानों के पैसे बाहर नहीं थे, उस वक़्त आपका मुल्क इतना दिवालिया नहीं था। अब जब मेरा इंटरेस्ट बाहर अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी होगा, और निहाल साहब ने ठीक कहा, तो उनके मुफाद के बगैर कैसे आज़ादी भी मुझे महदूद सी मिलेगी जो ताकतवरों को अच्छी लगे, ठीक है। तो हम वो ना ही आपका यूएई जो इसराइल को तस्लीम कर चुका है, आज ओआईसी में भी जो कमज़ोर मौकफ उन्होंने अपनाया है, क्या ये ईमान की मजबूती है? क्या ये अल्लाह पे यकीन है? और कोई भी मुल्क मैं बता दूं उधर फौजें नहीं भेजेगा, हम बिखर चुके हैं तादाद में, बज़ाहिर हम अगर नंबर देखें तो शायद 1.5 अरब मुसलमान, मसाइल बहुत बड़े होंगे, तादाद बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ी होगी, लेकिन तकसीम दर तकसीम हो चुके हैं, हमें ना किसी ने एक होने दिया ना हम एक होना चाहते हैं। बदकिस्मती है कि ये अमेरिका एक इस खत्ते का बदमाश है, वो इसराइल के पीछे है। आपने अपने एंट्रो में फरमाया हर कुछ अरसे बात करता है फिर दंदनाता फिर रहा, यही होगा, जब अमेरिका चाहेगा रुक जाएगा, हम जुलूस निकालेंगे, जुमे को खामोश 10 मिनट खामोश रह जाएंगे, 4 ट्वीट कर देंगे, 5 मशहूर डाल देंगे, और उधर जुल्म व सितम ज़्यादा रहेगा। उधर उन बच्चियों से पूछो, लाइट उधर नहीं, अब खाने पीने की अशिया टोटल ख़त्म हो गई है, लाइट से भी बिलक के मर रहे हैं, बीमार और मुर्दे एक जगह लेटे हुए हैं, तंदुरुस्त एक जगह, एक माएँ एक घर में कमरे में सो रही हैं कि ताकि शहीद इकट्ठे हों। हमने कहा उनकी यार बस अल्लाह रहम करे, आप मोहतरमा से जनरल साहब से और बाकी से पूछें, हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अमलन मैंने तो बताया 5 अगस्त 1919 से मकबूजा कश्मीर में कौन सा जुल्म है जो नहीं हुआ, और हमने प्रैक्टिकली क्या किया? ट्वीट हमने बड़े जज्बाती किए होंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा, फला नहीं करूंगा, कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान मेरी शाहराग है, ये सारी चीज़ें मैंने बचपन से सुनी हैं, लेकिन मुझे बता दें फलस्तीन तो बहुत दूर है ना, मकबूजा कश्मीर का क्या? इतना सा एरिया है, आपके मैं व्लॉग देख रहा था, इर्द गिर्द सारे ही मुसलमान हैं, लेकिन सब बिखरे हुए हैं, और जब आपकी जदातें आपका पैसा अमेरिका यूरोप सारा हो तो आप पागल हैं उनके साथ हालात खराब करें? मैं एक तस्वीर दिखाता हूं, ये साथ साथ देखें, आप तस्वीर दिखाएं जी, ये तस्वीर अल जजीरा ने जारी की है, और ये जहाँ पे जितने मुसलमान मुल्कों वाले एरिया ना वहाँ ये येलो डॉट कम है, यानी यहाँ पे एहतजाज नहीं हो रहे या बहुत छोटे हो रहे हैं जो काबिले जिक्र नहीं है। ये जितने येलो डॉट अमेरिका में और यूरोप में लगे हुए हैं ना और गैर मुस्लिम मुल्कों में लगे हुए हैं, वो लगभग कोई 65-70 गुना वहाँ पे हैं, 65-70% वहाँ पे हैं, और मुसलमानों में सिर्फ 30% भी नहीं है। तो मुसलमानों की इतनी बड़ी ये बात ही है, आप निकल के अपने भाइयों बहनों के लिए मौसर आवाज़ तक आ रहे हैं और तवक्को करते हैं कि उनको आज़ादी मिल जाएगी, तो आज़ादी ऐसे थोड़ी मिलेगी सर, ऐसे तो देखे ऐसे तो कहीं भी नहीं मिलती। इमरान आप है इस मुल्क में 1-2 फुट की जगह कोई नहीं देता, मुल्क आज़ाद करने देगा अमेरिका जैसा गुंडा?
यार अनबिलीवेबल है। हम नाम के मुसलमान हैं, अल्लाह को मानते हैं, लेकिन अल्लाह की नहीं मानते, उसके रास्ते पे नहीं चलते। जिस दिन हम उसके रास्ते पे चलेंगे, उसकी मदद भी आ जाएगी, फरिश्ते भी आ जाएगी। तो गाइज ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया, आपको पता है, यहाँ पर इन्होंने भारत को लेकर एक बात बोली कि इसराइल ने दुनिया के सभी देशों को मतलब थैंक यू बोला जिसने इसराइल का समर्थन किया, लेकिन भारत को नहीं बोला। तो गाइज आपको बता दें सिचुएशन है क्या। सिचुएशन ये है कि जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने उन देशों का फ्लैग लगाया जिसने इसराइल को सपोर्ट किया, उसमें इंडिया का नहीं था फ्लैग। हालांकि इंडिया के ट्विटर में बहुत सारे लोगों ने इसराइल को सपोर्ट किया, और ऑब्वियसली इंडिया ने जो यूएन में मतलब इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव ने जो यूएन में बयान दिया उसमें भी इसराइल का सपोर्ट नहीं किया खुलकर, लेकिन उन्होंने कंडेम किया जो पैलेस्टाइन के लोगों ने रॉकेट मतलब मारे इसराइल पर। तो आपको भी पता है कि इंडिया की पॉलिसी इसराइल को लेकर किस तरीके की है, इंडिया को क्या मतलब रीज़न है। बेसिकली मेन रीज़न है पीओके और अक्साई चीन। अगर हम इसराइल का समर्थन करते हैं कि इसराइल गाजा की ज़मीन पर कब्जा कर सकता है, तो फिर पाकिस्तान हमारा केस भी है, और पाकिस्तान भी कह सकता है कि भाई जो पाकिस्तान का हिस्सा पीओके में कब्जा कर रखा है वो पाकिस्तान का हो जाएगा, जो चाइना ने कर रखा है वो चाइना का हो जाएगा। तो इस तरीके से वहाँ पर हमें डिसएडवांटेज हो जाएगा। और दूसरा डिसएडवांटेज हमारा हो जाएगा अरब देशों में। आपको पता है दोस्तों, अरब देश में सबसे ज़्यादा इंडियन है, अरब देश की आबादी से भी कई गुना ज़्यादा इंडियन है, और बेसिकली इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश की वजह से अरब देश आज इतने आगे हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान इंडियन का ही है। तो अरब देशों में हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन रहती है, इतने बड़े वर्कर रहते हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर, सारे लोग रहते हैं वहाँ से यहाँ, और बहुत सारे उनका भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। तो उस नज़रिए को देखते हुए हम खुलकर इसराइल के समर्थन में नहीं आ सकते। हाँ, हालांकि दिल तो इसराइल के साथ ही है हमारा, तो इसराइल के समर्थन में हम खुलकर नहीं आ सकते। और अरब देश भी इसराइल के साथ, उनके बहुत अच्छे रिश्ते बन चुके हैं, सऊदी अरेबिया को छोड़कर अभी बाकी सभी अरब देश के रिश्ते बन चुके हैं, तो ये रीज़न भी है। लेकिन आपको भी पता है कि इंडिया की आवाम और इसराइल की आवाम दोनों के दिल मिलते हैं। इंडिया का दिल है इसराइल के साथ, भले ऑफिशियल तौर पर गवर्नमेंट का समर्थन ना भी हो तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग खुश हो रहे हैं तो वो लोग बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। अब बात करते हैं वीडियो के दूसरे टॉपिक के बारे में। वीडियो के दूसरे टॉपिक में पाकिस्तान के जो रिटायर फौजी वगैरह हैं, उन्होंने खुलकर बोल दिया है कि पाकिस्तान या दूसरे मुस्लिम देश कुछ भी नहीं कर सकते। मुस्लिम उम्मा का जुम्मा जुम्मा हो गया, वो कुछ भी नहीं कर सकती। उन्होंने बस एक वर्चुअल समिट किया, उस समिट में बात कर ली कि इसराइल बहुत ताकतवर है, अगर हम गए वहाँ लड़ने तो हमारी बैंड बच जाएगी। उसकी मैं आपको मतलब कंक्लूज़न बता दूँ, यही था। नहीं तो ये टर्की, ईरान, पाकिस्तान, ये जो मुल्क उड़ रहे थे कि भाई ये कर देंगे, वो कर देंगे, यहाँ भेज देंगे, वहाँ भेज देंगे, घंटा निकला कुछ नहीं इनका। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग जाएं, टर्की, ईरान, पाकिस्तान एक बार जाएं, मज़ा लेकर आएं थोड़ा सा। इसराइल के जो नए नए हथियार हैं उनका थोड़ा सा मज़ा लेकर आएं, उनको भी थोड़ा, जो उन्होंने इतने महंगे महंगे हथियार बनाए, टेस्ट करने का मौका मिले। ऑब्वियसली ये लोग जाएंगे, जंग हारेंगे, और वो जो बचा हुआ हिस्सा है वो गाना गा रहे हैं, गाजा मेरे गाजा इसराइल में समा जाए, तो फिर उनके पास भी पूरा मौका हो जाएगा। क्योंकि इसराइल वो गलती नहीं करता, अगर वो जो हिस्से में जो हिस्सा मतलब जीत जाता है तो फिर उसको अपने अंडर ले लेता है। भारत तो वैसी गलती करता आ रहा है, और करते हैं भारत के लोग आज से नहीं, बहुत सदियों से करते आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, इसराइल के साथ लड़ने की किसी भी मुस्लिम देश में हिम्मत नहीं है। बस जब तक वो ये प्रोपेगेंडा करते रहेंगे कि हमारे पास बम है, ये है, वो है, पाकिस्तान वाले इनका कुछ भी, इनका बम फुस्सी बम है, कोई हिम्मत नहीं। और अमेरिका ने भी खुलकर इसराइल का समर्थन कर दिया, और उनको बहुत बड़ी डील की उनके साथ हथियार की, तो इस वीडियो में आपने वो भी सुना। तो गाइज ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में लिखें। आई होप आपको इस चीज़ का आंसर मिल गया होगा कि इंडिया खुलकर इसराइल का समर्थन नहीं करता है। हालांकि मैं उतना अच्छा समझा नहीं पाया, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि आप लोग अगर दूसरे जगह से भी समझ कर आए होंगे तो समझ गए होंगे। ठीक है गाइज, धन्यवाद।